कॉपर को, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर के साथ जरा ना छोटे मझोले वाले कुछ दूसरे स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, ये शेयर है, हालांकि आज सर्किट पे लॉक है, 24 रुपए के आसपास का इसका भाव हो गया है। और इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जहां पर आपको 10% 15% शेयर चलते हुए दिखाई देंगे। जेंटेक में हम देख रहे हैं कि करीब करीब ड्रोन सेगमेंट वाली ये कंपनी है, डिफेंस से रिलेटेड है ये, जेंटेक में 10% के आसपास का उछाल है। इन पर जरा चर्चा करते हैं विवेक जी। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन गाय बगाय इस पर चर्चा करते रहते हैं, अब 25 रुपए के आसपास के इसके भाव आ गए हैं, कैसी लग रही है आपको कंपनी और इसमें फंडामेंटली क्या कुछ बदला है जिसके चलते इस पर बुलिश होना चाहिए? अब देखिए, अब तक तो फंडामेंटली कुछ बदला नहीं है, और जो जिस हिसाब से कंपनी में डेट है तो मैं तो इससे डबल कॉशियस कभी भी रहूंगा, क्योंकि बहुत हाई डेट कंपनी है ये। बस बाजार में अब ये हो रहा है कि काफी लोग मिस्ड आउट फीलिंग लोगों में है, उस चक्कर में छोटे मझोले शेयर्स को भी अभी लेना पसंद कर रहे हैं। तो जब तक सही में ऑन द बुक्स दिखे नहीं कि कंपनी की परफॉर्मेंस में मतलब इंप्रूवमेंट आ रहा है, तब तक मेरी तरफ से तो ये अवॉइड रहेगा। आज का स्पेसिफिक रीजन मालूम नहीं है क्यों बढ़ा है, लेकिन हाँ, तो ये एक मौका रहेगा कि कल वापस ये अगर बढ़े तो इसमें से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो फिलहाल तो मैं दूर रहूंगा इससे। प्रॉफिट टेकिंग करने की सलाह है HCC के शेयर से, लेकिन